गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। क्या है स्पेशल लीव पिटीशन, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, ये सारे फैक्ट्स आज हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में, स्पेशल लीव पिटीशन के डेफिनेशन। स्पेशल लीव पिटीशन की डेफिनेशन है, स्पेशल लीव पिटीशन इज अ पिटीशन सीकिंग स्पेशल परमिशन और लीव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर पास्ड बाय एनी लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। एंड स्पेशल लीव पिटीशन इज नॉट एन अपील बट पिटीशन फाइल्ड फॉर एन अपील। और इसका मतलब भारत के सारे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स इनसे दिए हुए जजमेंट और ऑर्डर इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपील के लिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है ये अपील नहीं है, ये एक पिटीशन है अपील के लिए। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक पिटीशन है जो अपील के लिए किया जाता है। अगर ऐसे स्पेशली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट दो चीज़ कर सकते हैं। एक, जो वो स्पेशली पिटीशन रिजेक्ट कर सकते हैं, दूसरा वो स्पेशली पिटीशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो स्पेशल लीव पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपील जो अगेंस्ट जजमेंट और ऑर्डर था वो सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो अब हम लोग को जानना पड़ेगा स्पेशल लीव पिटीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में। हम लोग के संविधान में ये स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में क्या प्रावधान है, तो पार्ट 5 धारा 136 यानी कि पार्ट 5 आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950, इनमें स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम लोग जान गए हैं कि कौन सा आर्टिकल में स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये सेक्शन जो आर्टिकल 136 है इसके अंदर क्या है। तो आर्टिकल 136 के क्लाउज 1 ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मे ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट डिक्री डिटर्मिनेशन सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी कॉज और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के किसी भी कोर्ट में जो सेंटेंस ऑर्डर जजमेंट डिटर्मिनेशन जो पास होते हैं वो सारे के अगेंस्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, रिजेक्ट कर भी सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पावर है। और आर्टिकल 136 के क्लॉज 2 ये डिस्कस करते हैं कि कौन से ऑर्डर जजमेंट डिटर्मिनेशन सेंटेंस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के दौरान नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब एक्सेप्शन, स्पेशल लीव पिटीशन के एक्सेप्शन क्या क्या है ये डिस्कस करते हैं आर्टिकल 136 के क्लॉज 2 में। तो आर्टिकल 136 के क्लॉज 2 ये डिस्कस करते हैं कि नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी ऑर्डर जजमेंट सेंटेंस और डिटर्मिनेशन पास बाय एनी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर और बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू आर्म फोर्स। मतलब जिस भी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो आर्म फोर्स के लॉ
और रेगुलेशन के मुताबिक चलते हैं, इन सारे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स से दिए हुए ऑर्डर्स, जजमेंट, डिटर्मिनेशन और सेंटेंस, इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। ये हुआ आर्टिकल 136 के क्लॉज 2। अब हम लोगों का मन में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कैन हाई कोर्ट रिव्यू इट्स ऑर्डर इफ स्पेशल लीव पिटीशन रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? क्या हाई कोर्ट अपनी ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं स्पेशल लीव पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हो तो? आंसर होंगे यस, द हाई कोर्ट स्टिल रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर इवन इफ स्पेशल लीव पिटीशन रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया हो फिर भी हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। इसके और क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोले हैं कि रिव्यू पिटीशन कोई भी व्यक्ति स्पेशल लीव पिटीशन के पहले भी फाइल कर सकते हैं और स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस होने के बाद भी फाइल कर सकते हैं। इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए आज ख़त्म होते हैं आज के ये टॉपिक।